है गाइज, वेलकम बैक टू वी आई व्लॉग्स यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के जीतो प्लस। ये एक लोड कैरियर है, मिनी लोड कैरियर है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके हम वेरिएंट्स जानेंगे, इसका पेलोड जानेंगे, और ये जो है पेट्रोल वेरिएंट है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं जिस शोरूम पे खड़ा हूँ वो है माउंट बर्ड मोटर्स के नाम से शोरूम। महिंद्रा का कमर्शियल शोरूम है ये, जिसमें आपको कमर्शियल व्हीकल्स अवेलेबल मिलती है। तो यहीं पे मैं आया हूँ, बटेंगू अनंतनाग है इसका लोकेशन। तो यहीं पे जो है हम इस गाड़ी का जो है वीडियो कर रहे हैं। तो ये रहा, सबसे पहले आप गाड़ी को देखिए, महिंद्रा की जीतो प्लस। ये देखिए, प्लस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है अच्छी खासी मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके साइज़ के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा आपको इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलती है। सबसे पहले आप गाड़ी देखिए, बहुत ही छोटी गाड़ी रखी गई है, ताकि मतलब ये बजट फ्रेंडली गाड़ी है जिसमें आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए है जो गाड़ी चलाना जानते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं और उनका बजट कम है, तो कम बजट पे आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी देखी आगे से पीछे तक। अब करते हैं बात इसके फ्रंट से। ये रहा इसका फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का। तो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ होती है लोड कैरियर्स में, जो बात कर रहा हूँ कमर्शियल गाड़ियाँ, उनकी नोज जो है ये बाहर निकली होती है, ताकि जब भी खुदा न खास्ता इम्पैक्ट हो तो अंदर वाला जो बंदा है वो आराम से बच सके। तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का मिलता है आपको, ये देखिए। तो गाइस करते हैं बात इसके हेडलैम्प यूनिट की। यहाँ पे इसका ये हेडलैम्प है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आप बल्ब का ऑप्शन मिलता है, कोई भी एलईडी का ऑप्शन नहीं रखा गया है इसमें। प्लस इंडिकेटर भी इसमें इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, एंड साइड में भी आपको इंडिकेटर दिया गया है दोनों साइड से। अब करते हैं बात इसके फ्रंट विंडशील्ड की। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है, जिसमें आपको जो है एक ही आपको वाइपर देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, ये रहा इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का। यहाँ पे जीतो का ब्रांडिंग लगी हुई है, जीतो प्लस, एंड साथ ही में आपको यहाँ पे नॉर्मल से आपको रियर व्यू मिरर्स देखने को मिलते हैं। अब करते हैं बात इसके टायर्स की। इसमें आपको जो है MRF के टायर्स देखने को मिलेंगे, जिनका साइज़ है 145R12, यानी कि 12 इंचज़ के आपको इसमें टायर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, तो ये रहा इसका सस्पेंशन यहाँ पे। तो इसमें आपको जो है फ्रंट में MacPherson स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है, अच्छा खासा सस्पेंशन जो है इसमें दिया गया है, जो कि आपको प्राइवेट कार्स में दिया जाता है। तो इसमें आपको जो है चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस टाइप के इसमें आपको सस्पेंशन दिए गए हैं। एंड यहाँ पे साइड की हम बात करेंगे, तो साइड में ही आपको यहाँ पे स्पेयर टायर दिया गया है, ये देखिए स्पेयर टायर आपको बिल्कुल साइड में दिया गया है। जो इसकी बड़ी गाड़ी आती है मैक्सी एंड मिनी, उनमें आपको पीछे की तरफ आपको ये स्टेपनी देखने को मिलती है। प्लस पेट्रोल भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, बिल्कुल आपके कैबिन के पीछे आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। इसमें जो है टोटल कैपेसिटी फ्यूल की 10.5 लीटर्स की आपको मिलती है। फ्यूल कैपेसिटी इसमें कम रखी गई है, लगभग 15-16 रखनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों इसमें 10.5 किलो लीटर्स का इसमें जो है कैपेसिटी रखी गई है। अगर बात करें इसके माइलेज की, तो पेट्रोल जीरो प्लस में आपको 21.2 किलोमीटर पर लीटर का जो है आपको इसमें माइलेज का हिसाब किताब दिया गया है, तो अच्छी खासी है। मतलब पेट्रोल में आपको पेलोड के साथ आप 21.2 किलोमीटर पर लीटर का जो है ये माइलेज आपको देती है। तो अगर बात करें इसके रियर टायर की, तो ये रहा इसका रियर टायर, सेम प्रोफाइल आपको रियर टायर में भी देखने को मिलेगा। प्लस अगर बात करें इसके रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आपको सेमी ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन दिया गया है, ये देखिए सेमी ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन इसमें दिया गया है। तो पीछे की तरफ जो है आपको इंजन इसमें जो है दिया गया है पीछे की तरफ, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए गाइस, आपको डाले के नीचे जो है इंजन दिया गया है, जिसका जो है 625 सीसी का आपको इसमें इंजन देखने को मिलेगा। सिंगल सिलेंडर इंजन है ये, 17.3 किलोवाट का ये जो है पावर प्रोड्यूस करता है एट द रेट 4000 RPM, एंड 48 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 4 गियर्स का ऑप्शन दिया गया है। तो ये इंजन जो है 4-स्ट्रोक पॉजिटिव इग्निशन पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको CNG वेरिएंट भी मिलता है, एंड साथ ही में आपको इसमें डीजल का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये तीन ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, CNG, डीजल एंड पेट्रोल। तो इन तीनों में से आप कोई भी उठा सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। तो गाइस इस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो है ऑलमोस्ट 1450 kg का, यानी कि 1450 kg का इसमें जो है आपको ग्रॉस वेट मिलता है। एंड पेलोड कैपेसिटी जो इस गाड़ी की है 715 kg की, यानी कि 715 kg का ये वेट उठा सकता है। तो इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से
715 kg बहुत ही ज़्यादा है, तो अच्छा खासा जो है ये वेट कैरी कर सकता है। तो ये रहा इसका डाला, तो बड़ा ही बढ़िया डाला दिया गया है, बहुत ही बड़ा है साइज़ में ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंजन एक्सेसिबल यहाँ से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन को जब भी मैकेनिकल कुछ भी चीज़ करनी पड़ेगी तो इंजन एक्सेस यहाँ से होता है कैब से। यहाँ पे आपको एक हूटर भी देखने को मिलता है, ये देखिए जो एक वर्किंग हूटर है, ये देखिए गाइस। तो अब करते हैं बात इसके एक्सट्रीम रियर पार्ट की, यानी इसकी टेल पार्ट की। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको ये ऐसी लाइटिंग्स देखने को मिलती है, ये देखिए, ये देखिए। इसमें आपको जो है रिवर्स, यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट एंड यहाँ पे इंडिकेटर, ये तीन जो है इसमें इंटीग्रेटेड आपको दिए गए हैं। नॉर्मल से आपको पीछे लाइट्स दी गई हैं, प्लस यहाँ पे आपको जो है नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे दो लाइट्स दी जाती है एंड यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह। तो गाइज़ करते हैं इसके कलर्स की बात। इसमें आपको जो है तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, अल्ट्रा मेरियन ब्लू, सनराइज रेड एंड वाइट डायमंड। तो ये जो है वाइट डायमंड कलर है इसका। अब चलते हैं इसके कैबिन में और करते हैं इसका कैबिन एक्सप्लोर। ये देखिए गाड़ी बहुत ही छोटी है एंड यहाँ पे नीचे अभी कोई डाला नहीं है। ये फिर जब आप गाड़ी लेंगे तो इसमें आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मैटिंग वैटिंग वगैरह देखने को मिलेगी। प्लस ये रहा इसका छोटा मोटा डोर, इसमें आपको नॉर्मल सा डोर देखने को मिलेगा। प्लस ये है इसका कैबिन। तो ये रहा गाइस इसका कैबिन। आपको इसमें सीटिंग कैपेसिटी जो है D+1, यानी कि ड्राइवर के साथ आपको एक ही बंदा यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप गोदी में उठा सकते हैं, तो तीन बंदे आराम से इसमें बैठ सकते हैं। तो गियर लीवर जो है आपको डैश पे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें आपको चार गियर्स मिलते हैं प्लस रिवर्स, यानी कि पांच गियर टोटल। ये इसका हैंड ब्रेक एंड ये है नॉर्मल सी, इसमें आपको स्टेयरिंग देखने को मिलेगी। तो अगर इसकी स्टेयरिंग की बात करें, इसमें आपको जो है नॉर्मल सी स्टेयरिंग मिलती है, कोई भी आपको जो है इसमें पावर स्टेयरिंग नहीं मिलती। नीचे आपको यहाँ पे देखिए फ्लैट स्टेयरिंग रखी गई है, ऐसा लगता है कि किसी सुपरकार की स्टीयरिंग है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका छोटा मोटा डैश, यहाँ पे आपको छोटी मोटी स्पेस मिलती है एंड यहाँ पे मुझे लगता है मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, तो फ़ोन के लिए भी आपको जगह मिलती है। 12 वोल्ट का आपको सॉकेट यहाँ पे दिया गया है एंड ये है इसका इंटरनल रियर व्यू मिरर एंड इसकी इंटरनल लाइट है रूफ लाइट, इसका जो है सनशेड। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो है रियर में आपको विंडो मिलती है ताकि आप पीछे भी देख पाओ, ड्राइवर के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस इसमें आपको दो सीट बेल्ट्स मिलते हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। एंड साथ ही मैं बताऊँ, जैसे मैंने आपको बोला ये चीज़ जो है एक तो पेट्रोल में आती है ये, प्लस इसमें आपको माइलेज इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है, 21.2 KMPL। एंड साथ ही मैं बात करूँगा यहाँ पर आपको हज़ार्ड स्विच का बटन यहाँ पर दिया गया है। प्लस अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊँगा। तो गाइज़ ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का। ये देखिए 100 तक की इसमें मीटर में स्पीड रखी गई है, यहाँ पे ये बार बार बीप कर रहा है क्योंकि इसमें फ्यूल कम है। यहाँ पे आपको छोटा सा MID मिलता है जिसमें आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम, आपका फ्यूल, आपका ओडो, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्लस 285 किलोमीटर्स डन, यानी कि कितने किलोमीटर्स डन है वो भी आपको डिजिटली देखने को मिलता है। एनालॉग भी बस आपको इसमें जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे कुछ साइंस आप देख सकते हैं, इंजन साइन, बैटरी साइन, ये देखिए लो फ्यूल वार्निंग साइन, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको दो बटन्स मिलते हैं सेट एंड रिसेट का, वो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आपको अंदर की तरफ ये दो रिवर्स मिलते हैं जिससे आप अपना वाइपर जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है देखिए लाइटिंग के लिए आपको यहाँ पे एंड इंडिकेटर्स के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है। प्लस ये वाला बटन आप देख रहे हैं, इसमें आप जो है हेडलाइट अपनी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये थी इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल। अब करते हैं बात इसके ऑन रोड प्राइस की। तो गाइज अब बात करते हैं महिंद्रा के जीतो प्लस के ऑन रोड प्राइस की। तो अनंतनाग में इसका जो ऑन रोड प्राइस है ऑलमोस्ट 4,40,000 है, तो जो कि अच्छा खासा मतलब प्राइस है, नॉर्मल प्राइस रखा गया है इस फोर व्हीलर गाड़ी के लिए। हालांकि अगर आप ऑटो के ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑटो भी आपको लगभग 3,50,000, तो उससे बेटर ऑप्शन आपको यही है मतलब महिंद्रा का जीतो प्लस। एक तो इसकी माइलेज भी अच्छी खासी है एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी
बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर कोई लोड कैरियर का सोच रहा है तो ज़रूर इसकी तरफ जाएं, पेट्रोल वेरिएंट की तरफ ही, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है एंड आपको इसमें जो है अच्छी खासी कमाई होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं दे के रखूँगा, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है एंड अपनी गाड़ी जो है बुक कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।